यूनिटी अब मजबूत हो रही है और जिसका असर कर्नाटक के चुनाव में दिखा है। तो कर्नाटक में तो पिछले बार भी हम लोग की सरकार नहीं बनी थी, लोकसभा का चुनाव आया तो अधिकांश सीट हम लोग जीत गए। भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या तो सीखती है या जीतती है। हमको कुछ सीख मिला है, जातिवादी ताकतें और सांप्रदायिक ताकतें एक हो गई और जिसका परिणाम है कि पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज नुमा झंडा कर्नाटक में फहराया जाने लगा तो लोग देख रहे हैं। क्षणिक आवेश में लोग कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन लोग हमें अगर कुछ कमियां रह गई है तो हम उसमें सुधार करेंगे और पुनः 24 में फिर किसी के दाल नहीं गलने वाली है। बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दक्षिण में बीजेपी मुक्त भारत हो चुका है। अच्छा, हम तो वहां सेकंड कर रहे हैं, विरोधी दल का नेता हमारा बनेगा। अब देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, कल उसका ही परिणाम आया है ना। तो इन लोगों को कोई लाज गरान नहीं है, लोक लाज नहीं है राजनीति में। ये लोग बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी या तो फर्स्ट की है नहीं तो सेकंड की है। हम जहां फर्स्ट की है वहां कहीं कहीं दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है, इसलिए इतराने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कहा हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई, कर्नाटक हार गई और अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आप लोग हारिएगा, बजरंग बली भी आप लोगों से नाराज। अच्छा, तो बजरंग बली को तो कम से कम माने ना, जो उन लोग कहते थे पहले कि राम काल्पनिक है, अब हमारी जीत हुई है। कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जी जा रहे हैं, अब जो राम को काल्पनिक कहते थे। तो हम सीट में जरूर हार गए हैं लेकिन विचारधारा हमारी जीती है। हम जो भारत के बारे में बात करते थे, भारत के रामकृष्ण के बारे में बात करते थे, तो राम के सेवक के हनुमान तक तो पहुंच गए, राम तक भी पहुंचेंगे। हमारी बातों पर आना पड़ेगा।